और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कबुक हैंडलिंग के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास चार ऑब्जेक्ट होते हैं, कि एप्लीकेशन, वर्कशीट, वर्कबुक, सॉरी, शीट्स, रेंज। ये चार मेमोरी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपका नाउन प्रोनाउन होता है ना सर। यस सर। और कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस हम नाउन से लिखना शुरू करते हैं, तो उसी तरीके से बिल्कुल हम अपनी मोस्टली जो कोडिंग हमारी होती है, हम इन्हीं चार में से किसी एक को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन को हम स्किप करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है, हम वर्कबुक से चलते हैं। मतलब ये समझ जाइए कि ठीक हम बेसिक जो है हमारा, याद होगा जब है सर। आपने शुरुआत में एक्सेल सीखा होगा, सबसे पहले आपने क्या सीखा था कि कैसे फाइल ओपन करते हैं, नया फाइल ओपन कैसे करते क्रिएट हैं। यस सर करते हैं, कैसे यस ओपन सर करते हैं। तो उसी चीज को हम यहाँ कोडिंग के जरिए सीख रहे हैं, बेसिक एक्सेल को कोडिंग के लिए। क्योंकि जब यस आप अपने माइक्रो प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे तो आपको ये होगा कि जब आपको मान लीजिए प्रोग्राम किए एक डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी करना है, नई फाइल में कॉपी करना है, तो आपको फाइल क्रिएट करने का कोड होना चाहिए ना सर। उस फाइल को सेव सर करने का कोड, या किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करके डेटा कॉपी करना है तो पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना आना चाहिए। तो यार जी सर वर्कबुक हैंडलिंग में चीज की द्वारा हम बात करते हैं। जी सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कबुक को ऐड कैसे करेंगे। वर्कबुक्स डॉट ऐड, राइट सर। ये यस क्या सर यस करेगा, एक नई फाइल को क्रिएट कर देगा, जो कंट्रोल एन हम लोग करते हैं ना, वो नई यस फाइल सर को ठीक क्रिएट देगा। अब आपको इस फाइल को मुझे सेव करना है, जी सर अब बात करते हैं कि अगर फाइल को सेव करना है तो फाइल फाइल को सेव करने का तो एक का कोड होता है, वर्क बुक्स डॉट, यहाँ पे बुक फाइल का वर्क नाम डॉट सेव एज, और यहाँ पे पाथ की डी ड्राइव में बन, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है बैकग्राउंड से। सर मैं हाँ सेकंड हाँ ठीक, आप ठीक सर। अब ठीक है सर हाँ तो यहाँ पे हमने कर दिया, बट हमारे सिचुएशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो फाइल को ऐड किए हैं हम उसी फाइल यस को सर सेव करना चाहते हैं, जी सर ठीक है। जिस फाइल को हमने ऐड किया है उसी फाइल को हम सेव करना चाहते हैं। यस सर तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर इस कोड को लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे फाइल नेम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा एक्सटेंशन के साथ। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब फर्स्ट टाइम फाइल ओपन किए तो हमारे पास बुक वन आया, सेकेंड टाइम बुक टू सर होगा, थर्ड टाइम बुक थ्री होगा, मतलब कि यस फाइल का सर नेम क्या होगा एग्जैक्टली पता नहीं ना सर, हर बार अपना नाम यस वो सर चेंज करता है। So, यस सर ये कोड तभी इफेक्टेबल है जब आपको सेव करने वाली फाइल का एग्जैक्ट नाम और उसका पाथ पता है। अगर जी आपको एग्जैक्ट तो यहाँ पे हम दिक्कत हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास इतना पता है कि जो फाइल ऐड होती है वही फाइल एक्टिवेट होती है। तो यस यहाँ सर पे हमारे एक्टिव पास जो है दूसरा जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही एक वर्कबुक का ही एक सब ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है एक्टिव वर्क, एक्टिव वर्क बुक और डॉट सेव, तो सेव एज, सॉरी सेव एज। और यहाँ पे हम अपना पाथ देते हैं कि किस पाथ के किस फोल्डर में किस नाम से वो सेव होगा, किस एक्सटेंशन में। ओके तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट का सिचुएशन क्या है, कि किस कोड को रन होने के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग कोड जी डिसाइड करेंगे। तो एक इस कोड को कब डिसाइड करेंगे, जब हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पता हो, क्योंकि कोड लिखने का सर तरीका लिखने सिंपल है, ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, राइट सर। जी या हम आम भाषा में बोले
लोकेशन एंड एक्शन कि कहाँ पे क्या करना है। तो वर्कबुक पे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है सर। उसका एक्टिव वर्कबुक को क्या करना है, सेव सेव करना है। अब सेव एज की बारी आई तो पूछा जाता है ना कि हाँ कि कहाँ पे करना है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में अगर मैंने आपको बोला कि आप जाइए चीनी ले आइए, तो आपका जवाब, आपका सवाल होगा ना कितना लाऊं। यस सर, और कहाँ से लेके आऊं, कहाँ से लेके आओ, तो कॉमन सी बात है, दुकान से लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही ना होगा सर कितना लाऊं। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे बोले कि सेव एज करना है, तो एक्सेल को ये बताना होगा कि कहाँ पे करना है। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको सब कुछ बताना होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने बोला, अब एक्टिव वर्कबुक हमने बोल दिया, तो एक्सेल को समझ में आ गया कि हाँ जो फाइल एक्टिवेट उसी को करना है। अब यहाँ पे मैं बोला वर्कबुक को सेव एज करना है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आती है। जैसे आपने आपने भी बोला कि भाई कहाँ पे, कहाँ से और कितना वाला, यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गया कि कौन से वर्कबुक को और कहाँ पे करना है। हेलो हेलो सर, जैसे आपने लिखा हुआ सर बुक वन डॉट एक्सेल एस एम, सर ये बुक वन को सेव करेगा सर ये। हाँ, ये क्योंकि बुक वन की, हमारे जो बुक वन क्रिएट हुई है ना, मेरा फाइल का डिफॉल्ट फॉर्मेट जो है एक्सेल एस एम है। अगर सर मैं ये एक्सेल एस एम नाल इसमें यूज करूँ, तो अगर मैं खाली लिखूँ सर बुक वन सेव, बुक वन टू सेव्ड, तो सर ये सेव करेगा सर उसको। हाँ, क्यों नहीं करेगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि आपको ये पता है कि हमें न्यू फाइल सेव किया हुआ फाइल को क्रिएट करना है, राइट सर? जी सर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधे लिख दूंगा कि वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, और फिर यहाँ पे यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं कि फाइल एक्टिव है या फाइल एक पर्टिकुलर फाइल है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि आपको सेव किया हुआ फाइल ही ऐड करना है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग डिफरेंस जो है कि आप एक नया वर्कबुक ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसको सेव एज करेंगे अगर आपकी जरूरत है, नीड है तो। दूसरा कि अगर आप किसी भी फाइल को सेव एज करना है डिफरेंट नाम डिफरेंट लोकेशंस को, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा यहाँ पे आता है आपका कि आपको सेव किया हुआ फाइल ही चाहिए, आपका प्लान फिक्स है कि आपको सेव करना है। आप बोलोगे सर इसको हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्कबुक को ऐड करने के बाद, हम कुछ काम करने के बाद फिर सेव करेंगे। सेव करने का प्लान मेरा ऐड करते समय नहीं था, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि मुझे प्लान पूरा है कि मुझे फाइल क्रिएटेड ही चाहिए, स्टोर एक फाइल एक सिस्टम में स्टोर करके ही चाहिए, तो हम इसका यूज करेंगे। सिचुएशन के ऊपर आप कोड को डिसाइड कर सकते हो, और कोड का प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा होगा सिंपल सा कि ऑब्जेक्ट मेंबर लोकेशन और क्या करना, किस लोकेशन का डिटेल्स और क्या करना है उसका डिटेल्स डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि वर्कबुक किस बुक का क्या करना है, कहाँ पे करना है, यही होता है। अब इसमें भी क्या कि मेंबर्स में सब मेंबर्स आते हैं, जो आगे हम आपको पढ़ेंगे। फिलहाल हम ऑब्जेक्ट और मेंबर ही पढ़ रहे हैं, आगे चल के ऑब्जेक्ट मेंबर सब मेंबर आएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर कोई फाइल ऑलरेडी मेरा स्टोर है किसी लोकेशन में, मुझे उसे ओपन करना है, उसके लिए कोड होगा कि वर्क बुक्स डॉट ओपन। अब यहाँ पे छोटी सी क्वेश्चन यहाँ आती है कि मुझे पता है कि मेरा फाइल ओपन करना है, और कौन सी फाइल ओपन करना है ये भी पता है। हमने वर्क बुक्स डॉट ओपन कर दिया क्योंकि फाइल इसको ओपन करना है, वो तो हमारा ऑब्जेक्ट डिटेल हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का डिटेल हम तभी डालते हैं जब हमारा ऑफिस लाइब्रेरी में, मतलब कि वो फाइल ओपन है। यहाँ पे वर्कबुक्स डॉट ओपन, और फिर किस फाइल को ओपन करना है, किस लोकेशन से, और वहां पे हम यह बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, चाहे फाइल को हम सेव या सेव एज कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पे सिर्फ पार्ट दे रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, मतलब कि एक्शन डिटेल्स में या मेंबर डिटेल्स में हमें और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है फाइल के अंदर पासवर्ड लगा हो, प्रोटेक्टेड फाइल हो, तो बिना पासवर्ड के तो ओपन होगा नहीं, चाहे नॉर्मल है बीवी के थ्रू। तो जब आप एक्शन डिटेल डालते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट मेंबर डिटेल डालते हैं, तो स्पेस में देखिए बहुत सारे सिंटैक्स आते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि फाइल एज ए स्ट्रिंग दिख रहा है, फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, ये आपके ब्रैकेट में नहीं है। अगर आपने आपने गौर किया होगा एक्सेल पे, या फिर आपने मेरी एक्सेल क्लास नहीं ली, अगर ले तो पता होता कि जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सिंटैक्स कहा जाता है, मतलब इनपुट्स। तो इसमें क्या है कि जो बड़ी ब्रैकेट में, जो स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग उसको अपने हम बोलते हैं भाषा में बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना सर, स्क्वायर ब्रैकेट में है इट मींस कि वो ऑप्शनल है, उसको डालने की जरूरत नहीं है। ओके। और जो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है वो रिक्वायर है, उसको डालना ही पड़ेगा, तो उसके बगैर आप फॉर्मूला से बाहर नहीं आ सकते, मैंडेटरी है। अगर मैं इसको डाल दूं तो अब मैं फॉर्मूला से बाहर आ सकता हूं। सेम उसी तरह से जब आप अपना जब अपना वीवीए कोड लिखेंगे, एक्शन डाल के स्पेस मारेंगे, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में फाइल नेम नहीं है, इसका मतलब है कि आपको फाइल नेम यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका एक कोड एरर देगा। उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो रिक्वायर नहीं, ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डाल रहे हैं। जैसे मुझे पासवर्ड डालना है, तो यहाँ देखिए कि अब पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड का पोजीशन तो हमारे यहाँ है। जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमने अभी अभी इफ का फॉर्मूला लगाया, और इसके फॉर्मूले में मान लीजिए कि मुझे मैं लॉजिकल टेस्ट में रिक्वायर्ड था, हमने दे दिया, और यहाँ पे मुझे वैल्यू ट्रू नहीं देना है, वैल्यू फॉल्स देना है, तो हम एक एक कॉमा और डाल के वैल्यू फॉल्स में चले जाते हैं और अपने यहाँ पे डाल देते, वैल्यू ट्रू को हम स्किप छोड़ देते, ब्लैंक छोड़ देते, ब्लैंक स्किप हो गया। सेम आप अपने वीवीए कोड में भी कर सकते हैं कि आप स्पेस डालें और मुझे क्या डालना है, मुझे पासवर्ड पे जाना है तो कॉमा। अब यहाँ पे और चीजें भी है तो समझ सकते हैं कि अपडेट लिंक, जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं, अगर वो फाइल किसी अनदर फाइल के साथ वाया फॉर्मूला कनेक्ट होता है और फाइल उसको नहीं मिलता है तो लिंक को अपडेट करने को बोलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका फाइल वन में VLOOKUP का फॉर्मूला फाइल टू से लगा हुआ है और फाइल टू जो है डी ड्राइव में था, जैसे फाइल वन को ओपन करते हैं तो फाइल टू को डी ड्राइव में खोजता है, और डी ड्राइव में अगर फाइल टू नहीं मिला तो आपको अपडेट लिंक करने का ऑप्शन देता है कि आपका फाइल मूव हो गया है, आप उसको अपडेट कर ओपन करते समय पता बोलता है। तो अगर अपडेट लिंक पे क्लिक करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, रीड ओनली पे क्लिक करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फॉर्मेट कौन सा है, टू, इसमें फॉर्मेट डालना पड़ेगा एक्सेल में, किस फॉर्मेट में ओपन करना है। लास्ट में पासवर्ड, पासवर्ड ये हो गया आपका ओपन पासवर्ड, फिर आपके पास अगर रीड एरेज पासवर्ड है तो आप दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि रीड ओनली को, मान किसी को पासवर्ड रीड राइट पता नहीं है पासवर्ड, तो रिकमेंड करता है रीड ओनली का कि आप फाइल को रीड ओनली में क्लिक कर दो। उसको चाहते हैं कि नहीं करना तो यहाँ पे आप फॉल्स कर दीजिए कि भाई अगर पासवर्ड पता है तो भी होगा, बड़ा नहीं होगा। तो और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस तरह से दे सकते हैं आप। उसी से ऊपर आप सेव एज कर रहे थे, तो सेव एज में भी आप बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे दे सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सेव एज, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि यहाँ जो फाइल नेम दिया हुआ है ये आपका बड़ी ब्रैकेट में ऑप्शनल है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फाइल नेम तो होना चाहिए, अगर किसी फाइल को हम सेव कर रहे हैं तो किस नाम से और कहाँ सेव करना है ये तो पता होना चाहिए ना सर, इसके बगैर क्या करेगा? जी नहीं, जब भी फाइल आप नई फाइल क्रिएट करते हैं तो वो एक नाम से क्रिएट होता है, बुक वन, जहां पे उसको नाम मिल गया, डिफॉल्ट एक्सटेंशन मिल गया, और सेव कहां करेगा, डिफॉल्ट लोकेशन, आपका जो एक्सेल का डिफॉल्ट लोकेशन होता है। और जैसे एक्सेल का डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ होता है, कैसे पता चलेगा, तो इसकी पता करने के लिए आपको एक्सेल वर्कबुक में दो तरीके, जब आप सेव करते हैं ना
कोई फाइल को अगर आपने सेव किया तो ब्राउज जब करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आता है, डॉक्यूमेंट आ रहा है। यस सर। इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है डिफॉल्ट लोकेशन है, या फिर आप चेक कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन में, एक्सेल ऑप्शन सेल, ये आपका डिफॉल्ट फॉर्मेट हुआ, ये आपका डिफॉल्ट लोकेशन। तो अगर फाइल नेम नहीं देते हैं तो जो ऊपर का जो फाइल नेम है वो, जो डिफॉल्ट आपका एक्सटेंशन है वो, और जो डिफॉल्ट पाथ है उसमें जाकर फाइल को सेव कर दें। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आप कहां करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हमने एक प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम मल्टीपल पीसी पे वर्क करता है, जहां से डेटा को फिल्टर करके उसको एक्सट्रैक्ट करके एक समान लोकेशन पे पेस्ट करता है। तो वहां पे अगर हम सेव एज करने के लिए डिफॉल्ट लोकेशन दे दिया कि डी ड्राइव, तो जरूरी थोड़ी कि हर पीसी में डी ड्राइव हो, बहुत सारे पीसी को सी ड्राइव भी होता है, किसी में एफ ड्राइव होता है, तो वहां पे तो मेरा कोड आपका दिक्कत कर देगा। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, जब किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेल को डाउनलोड करते हैं तो डिफॉल्ट वो आपका एक नाम बन जाता है आउटपुट, और नाम बन के स्टोर हो जाता है आपके एक लोकेशन में, दैट वन माय डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे भी सेम होता है, ठीक है सर जी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन होता है। अब वर्कबुक को हमने ओपन कर लिया तो वर्कबुक को क्लोज भी करना होगा, तो यहाँ पे हम वर्कबुक को क्लोज करते हैं, वर्कबुक डॉट क्लोज, और क्लोज करते समय हम यहाँ पे ट्रू देते हैं। क्यों? कि अगर किसी फाइल को बिना सेव किए हुए अगर आप बंद करते हैं तो आपसे पॉपअप पूछता है कि डू वांट टू सेव चेंज। अगर आपको सेव पे क्लिक करना है तो आपको ट्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा फॉल्स। ओके। तो यहां पे तो जब भी कोई फाइल को क्लोज करेंगे वर्कबुक को तो ट्रू एंड फॉल्स देना पड़ेगा। तो वर्कबुक टू डॉट क्लोज नहीं, यहां कौन सा वर्कबुक क्लोज करना है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे 1, 2, 3 या बुक 1 डॉट एक्सएलएस एक्स को क्लोज करना है, एक्सएलएस एम को क्लोज करना है, ये देना पड़ेगा। या फिर ठीक है, या फिर आप एक्टिव वर्क, आपका वर्कबुक एक्टिव है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक्टिव वर्क, तो वर्कबुक लेना है या एक्टिव वर्कबुक लेना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कि अगर आपका फाइल एक्टिव, जो एक्टिव है उसको क्लोज करना है तो आप एक्टिव वर्कबुक क्लोज, या कुछ भी करना है, नॉट अ क्लोज, कुछ भी करना है तो लेंगे। तो हमने यहाँ पे वर्कबुक को क्लोज कर दिया, तो हमने वर्कबुक क्रिएट किया, वर्कबुक को सेव एज किए, और हमने वर्कबुक को ओपन किया एंड क्लोज किया। अब बात करते हैं वर्कबुक को सेव करना, एक जस्ट सेव होता है ना, कंट्रोल एस, सेव एज तो एक ही बात होती है ना, जब हमें फाइल को नाम और लोकेशन देना होता है, बट सेव तो हमेशा होते रहता है, जब भी हम उसमें हम एडिट करते हैं सेव करते हैं, तो सेव के लिए जस्ट सेव लिख दीजिए, चाहे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, या फिर आपका वर्कबुक का नाम पता है तो वर्कबुक जो है डॉट सेव कर दीजिए। okay. अब मैं बात करता हूं वर्कबुक को एक्टिवेट करने का। जैसे मान लीजिए मैंने दो फाइलें खोल रखी है, हम लोग अल्ट टैब से एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाते हैं ना, तो कैसे जाएंगे? क्योंकि तो मान लीजिए कि हमने अगर एक फाइल, मान लीजिए कि हमारे पास एक फाइल वन पहले से ओपन है, अब मुझे फाइल टू को ओपन करके उसमें से डेटा, शीट वन की डेटा को कॉपी करके फाइल टू पे पेस्ट करना है, तो जैसे फाइल टू, फाइल वन जैसे हमारा ओपन होगा तो फाइल वन एक्टिवेट हो जाएगा, हमने अब डेटा को कॉपी कर लिया तो फाइल वन पे जाना, फाइल टू पे जाना पड़ेगा कॉपी कर पेस्ट करने के लिए जी। तो हमने फाइल वन को ओपन करने का कोड तो डाल दिया, फिर हमने फाइल वन के डेटा को कॉपी कर लिया, अब मुझे वापस फाइल टू पे जाना है ताकि उसको पेस्ट कर सके। तो जनरली जो हम अगर विदाउट डीबीए बात करें तो हम लोग ऑल टैब से या माउस पॉइंटर से किसान से क्लिक करके जाते जी। तो आप डीबीए कोड से जाएंगे तो लिखना पड़ेगा कि वर्क बुक्स
आप किस वर्कबुक पे जाना चाहते हैं, तो बुक बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स या एक्सएलएस एम जो भी है आपका डॉट क्लोज सॉरी डॉट एक्टिवेट। आप लोग सिर्फ फाइल का नाम मुझे नहीं पता, और आपको आपके पास पता है कि आपका दो ही फाइल ओपन है, दूसरे पे वो पहले पे आना है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर भी डाल सकते हो, वर्क बुक्स और यहाँ पे कि मुझे पहले पे आना है। टू ठीक है। या फिर एक तरीका और है, आप विंडो का इस्तेमाल कर सकते हो, विंडो यहाँ पे एक्सटेंशन या देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बुक दे सकते हो, बुक एक्सटेंशन नहीं पता है तो इसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो सर बुक नेम तो दे देना पड़ेगा ना सर इसमें, बुक वन या बुक टू? बुक नेम दे या फिर सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हैं। बेसिकली एक काम करता है ये, आपका जो व्यू मेनू बार के अंदर में आपके पास जो स्विच विंडो होता है ना जी, इसके अंदर इसे एक्सटेंशन रिक्वायर नहीं होती है। ओके सर। और इसका जो सीक्वेंस नंबर है यहाँ पे वन एंड टू, इस वन एंड टू को भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइल को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर मान लीजिए मैं एक्टिव वर्क को लेता हूं कि एक्टिव वर्क डॉट प्रोटेक्ट और यहां पे पासवर्ड डाल दो, ठीक है। प्रोटेक्ट क्या करेगा, ये आपकी जो रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, जो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी ओपनिंग पासवर्ड लगे, मैं फाइल की ओपनिंग जो पासवर्ड होता है वो लगे, तो उस केस में आपको लिखना होगा एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो। अब यहाँ पे एक दो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हो पहले से डिसाइड है, तो आप सेव एज करते समय ही पासवर्ड दे सकते हो। सेव एज करते समय आप जब फाइल की ओपनिंग पासवर्ड, रिटर्न पासवर्ड, आवरी ओनली रिकमेंड करना है, रिकमेंड वाले सर, ये सारी चीज आप दे सकते हैं, ठीक है ना सर? Okay, sir. लेकिन अगर आप लेकिन आपने पहले से फाइल क्रिएट कर लिया और फाइल को आप सेव एज, फाइल अगर सेव एज करते हैं तो डिफरेंट नाम से डिफरेंट लोकेशन में होगा, और इस कारण से हमारा पूरा उसमें अगर लगा हुआ पूरे लिंक वगैरह भी टूट सकते हैं। मान लीजिए डेटा फाइल से 10 फाइल लिंक है और आपने उसको सेव एज कर दिया, तो 10 फाइल का लिंक तो भाई पुराने फाइल से ही रहेगा, नया फाइल से तो होगा नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उसी फाइल को प्रोटेक्ट करूं, किसी को सेव करने की जरूरत नहीं, तो ये इस्तेमाल करें एक्टिव वर्क बुक पासवर्ड इक्वल टू डू। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इससे पहले जो भी हमने कोड आपके सामने शेयर किए हैं उस केस में कहीं भी हमने इक्वल टू का जिक्र नहीं किया है, बट यहाँ के देखिए हमने आपको बताया कि ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका मेंबर होता है, ठीक है ना। तो मेंबर के जो है सर दो प्रकार है, मेथड एंड प्रॉपर्टी। तो जो मेथड है उस पे हम स्पेस लगाते हैं, जो प्रॉपर्टी है उस पे हम इक्वल लगाते हैं। तो सर ये कैसे पता करेंगे ये सर ये प्रॉपर्टी है? पता करने का तरीका दो तरीके हैं, एक तो आप स्पेस मारोगे तो नीचे आप एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये मेथड है, इसे इक्वल नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी में स्पेस मारोगे तो कुछ नहीं आएगा। और दूसरा तरीका, दूसरा हुआ पहला तरीका है कि जब आप लिखते समय, से मैंने लिखा प्रोटेक्ट लिखा, तो देखिए प्रोटेक्ट में ग्रीन बॉक्स का सिंबल लगा हुआ है। सर किसका? ग्रीन बॉक्स है ना कोई? हाँ जी सर। ये आपका इसका मतलब है कि ये मेथड है, इसमें मेथड स्पेस लगेगा। और जैसे हम पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में हैंड का निशान है, मतलब कि प्रॉपर्टी, तो इसमें रहेगा इक्वल टू। ठीक है सर। और प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और दूसरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू हमने 12 डाला, तो इसने इन्फॉर्मेशन को लिया। और भी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक भी और एक्टिव वर्क
book dot name. अब ए इन्फॉर्मेशन देगा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इक्वल नेम इक्वल टू कर दे तो फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, 1 2 3 से 5 2 खुल जाएगा, नहीं ये गलत है। ए इन्फॉर्मेशन देगा, इसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज पॉइंट होना चाहिए, चाहे वो आप एक रेंज ले लीजिए कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, या फिर एक वेरिएबल ले लीजिए M, एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन, ठीक है। अब M क्या है, जैसे आप मैथमेटिक्स में x y z लिखते हैं ना, वो क्या होता है आपका वेरिएबल्स होता है, यहां भी आप अपने वेरिएबल्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मान लीजिए कि F इक्वल टू एक्टिव वर्क वोक डॉट फुल नेम, ऐसे इक्वल टू एक्टिव वर्क वोक डॉट पाथ, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। ओके सर, ओके। तो वर्कबुक में फिलहाल इतना ही करते हैं ना सर, नॉर्मली हम फाइल ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जनरली ही करते हैं। बाकी और भी चीजें हैं लेकिन वो उसके अभी आप नहीं समझ पाएंगे तो हम बाद में उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप वर्कबुक के ऊपर आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, अगली क्लास में हम आपके साथ जो है वर्कबुक से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है सर? ओके।